Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is drug resistant bacteria strain. तो हम जानेंगे drug resistant bacteria strain के बारे में. The National Public Health Agency of the United States Center for Disease Control and Prevention has expressed concern over a drug resistant bacteria strain allegedly linked to eye drop imported from India. तो National Public Health Agency या United States Center for Disease Control and Prevention का उन्होंने कंसर्न रेज किया है जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन है इसको लेके जो कि लिंक्ड है आई ड्रॉप से जिसको कि इम्पोर्ट किया गया था भारत से. इस स्ट्रेन के बारे में हम जान ले. इट इज एक्सटेंसिवली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्यूडोमोनास एरोजिनोसिक बैक्टीरिया फाउंड इन मल्टीपल ओपन कंटेनर ऑफ आई ड्रॉप. ये जो आपका एक्सटेंसिवली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्यूडोमोनास एरोजिनोसा बैक्टीरिया है जो कि पाया गया है मल्टीपल ओपन कंटेनर में आई ड्रॉप के. स्यूडोमोनास एरोजिनोसा कैन काउज इन्फेक्शन इन द ब्लड लंग्स और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर सर्जरी. और स्यूडोमोनास एरोजिनोसा जो है इसके कारण इंसान हो सकता है ब्लड का लंग्स का या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी का सर्जरी के बाद. The eye drop were manufactured by Chennai based Global Pharma Healthcare and distributed in the US market by Azir Care and Delsham Pharma. Previously, WHO has issued two medical product alerts on cough syrup manufactured in India, which were exported to Gambia and Uzbekistan. ये जो आई ड्रॉप है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है चेन्नई बेस्ड ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूएस मार्केट में एजी केयर एंड डेल्सम फार्मा के द्वारा. इसके पहले भी WHO ने इश्यू किया है नोटिस को दो मेडिकल प्रोडक्ट को लेकर कफ सिरप जिसको कि मैन्युफैक्चर किया गया था भारत के द्वारा और जिसको एक्सपोर्ट किया गया था गाम्बिया और उज्बेकिस्तान पे. लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर इन इंडिया. जो लाइसेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है ड्रग मैन्युफैक्चर को भारत में. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर एक्सपोर्ट नीड लाइसेंसिंग फ्रॉम द कंसर्न स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ड्रग्स का एक्सपोर्ट के लिए इसके लिए आवश्यकता होती है लाइसेंस की कंसर्न स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से. जो प्रोविजन है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उसके माध्यम से ऑल मैन्युफैक्चरर वेयर रिक्वायर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री. और जो सारे मैन्युफैक्चरर है उनको पूरा करना होगा जो रिक्वायरमेंट नीड है इम्पोर्टिंग कंट्री का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटी डंपिंग प्रोब इनटू इम्पोर्ट ऑफ सोडियम साइनाइड. तो जो एंटी डंपिंग प्रोब हो रहा है इंपोर्ट को लेकर सोडियम साइनाइड का इसके बारे में हम जानेंगे. फिर इससे रिलेटेड जितना टर्म है डंपिंग क्या होता है क्या लीगलिटी है एंटी डंपिंग क्या होता है सब कुछ समझेंगे. इंडिया इज इनिशिएटेड एन एंटी डंपिंग प्रोब इनटू इंपोर्ट ऑफ पॉइजनस केमिकल सोडियम साइनाइड फ्रॉम चाइना द यूरोपियन यूनियन जापान कोरिया फॉलोइंग ए कंप्लेंट बाय डोमेस्टिक प्लेयर. इंडिया ने स्टार्ट किया था अभी हाल ही में एंटी डंपिंग प्रोब को जो इम्पोर्ट हो रहा था पॉइजनस केमिकल सोडियम साइनाइड का चाइना यूरोपियन यूनियन जापान कोरिया जैसे कंट्री से. जब कंप्लेन मिला भारत को डोमेस्टिक प्लेयर से तो डंपिंग होता क्या है. द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय ए कंट्री टू ए फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस चार्ज इन इट्स होम मार्केट. जो गुड्स होता है जिसको कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है एक कंट्री के द्वारा फॉरेन कंट्री में जिसका प्राइस जो होगा वो लोअर होगा उस प्राइस से जो कि चार्ज किया जा रहा है इसके खुद के होम मार्केट से तो उसको डंपिंग कहा जाता है. क्या लीगलिटी है डंपिंग का. लीगल अंडर WTO रूल्स अनलेस इट कैन बी शोन टू हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इन द इम्पोर्टिंग कंट्री. ये लीगल है WTO के रूल्स के अंतर्गत जब तक कि इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के ऊपर इम्पोर्टिंग कंट्री का. व्हाट इज एंटी डंपिंग. फिर एंटी डंपिंग क्या होता है. टैरिफ इम्पोज बाय डोमेस्टिक गवर्नमेंट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट एट ए प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक मार्केट प्राइस. जो टैरिफ जो कि लगाया जाता है डोमेस्टिक गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन इम्पोर्ट के ऊपर जो प्राइस लोअर होता है डोमेस्टिक मार्केट प्राइस है उसके ऊपर उसी को एंटी डंपिंग कहते हैं. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एंटी डंपिंग कैन रिड्यूस इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक कंपनी प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है एंटी डंपिंग का. तो ये रिड्यूस करता है इंटरनेशनल कंपटीशन को डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो प्रोड्यूस कर रहा है सिमिलर गुड्स को. डिफरेंस फ्रॉम काउंटर वेलिंग ड्यूटी. ये अलग है आपका जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है उससे. काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज इम्पोज ऑन गुड दैट रिसीव गवर्नमेंट सब्सिडी व्हाइल एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज ऑन इम्पोर्ट एट प्राइस सब्सटेंशियली लोअर देन नॉर्मल वैल्यू. जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है इसको लगाया जाता है वैसे गुड्स के ऊपर जिसको कि गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलता है जबकि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इसको लगाया जाता है इंपोर्ट के ऊपर जिसका प्राइस सब्सटेंशियली लोअर होता है नॉर्मल वैल्यू से ताकि उसके प्राइस को इक्विवेलेंट किया जा सके होम मार्केट के. सनसेट क्लॉज फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी. क्या सनसेट क्लॉज है एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए. वैलिडिटी इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 5 ईयर थ्रू सनसेट और एक्सपायरी रिव्यू इन्वेस्टिगेशन. वैलिडिटी इसका 5 ईयर का डेट ऑफ इम्पोजिशन से ये एक्सटेंडेबल है अनदर 5 ईयर के लिए सनसेट या एक्सपायरी रिव्यू इन्वेस्टिगेशन के बाद.
अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो अथॉरिटी जो कि एडमिनिस्टर करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी को, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, वो अथॉरिटी है जो कि एडमिनिस्टर करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी को। सोडियम साइनेट के बारे में जान ले, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस सॉलिड और पाउडर, इट रिलीजेस हाइड्रोजन साइनाइड गैस, अ हाइली टॉक्सिक केमिकल एसफेशियन दैट इंटरफेयर विद द बॉडी एबिलिटी टू यूज ऑक्सीजन। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस सॉलिड या पाउडर फॉर्म में रहता है, यह रिलीज करता है हाइड्रोजन साइनाइड गैस को जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल एसफेंस है, जो कि इंटरफेयर करता है बॉडी के एबिलिटी को, जो बॉडी उपयोग करता है ऑक्सीजन का उसको यह हिंडर करता है। उपयोग क्या है सोडियम साइनाइड का? सोडियम साइनाइड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर, मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड डाइज पिगमेंट एंड बल्क ड्रग। सोडियम साइनाइड का उपयोग होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए गोल्ड को सिल्वर को उनके रेस्पेक्टिव ओर से, मैन्युफैक्चर करने के लिए इंसेक्टिसाइड को डाइज को पिगमेंट को और बल्क ड्रग्स को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल मीटियोर शावर कुछ सुन बी आर रियलिटी रिपोर्ट। तो जो एक रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल मीटियोर शावर है ये बहुत जल्द एक रियलिटी होगा, तो हम जानेंगे इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, टोक्यो बेस्ड एएलई इज सेट टू लॉन्च द सैटेलाइट इन 2025 एंड इट होप टू गिव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड द अपॉर्चुनिटी टू व्यू द वर्ल्ड फर्स्ट लाइव ह्यूमन मेड मीटियोर शावर। एक रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो बेस्ड एएलई जो है वो बहुत जल्द लॉन्च करेगा एक सैटेलाइट को 2025 में। तो कौन लॉन्च करेगा इम्पोर्टेंट है, कब? तो 2025 में। और वो आशा करता है कि जो सारे पीपल है पूरे विश्व के उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा वर्ल्ड में पहली बार कि वो लाइव ह्यूमन मेड मीटियोर शावर को देख पाएंगे। द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड स्काई कैनवास एंड इट इज डिजाइन टू कलेक्ट एटमोस्फेरिक डाटा इन द मेसोस्फीयर विच इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्काई कैनवास कहा गया है, इसको डिजाइन किया गया है कलेक्ट करने के लिए एटमोस्फेरिक डाटा को मेसोस्फीयर पे, जो कि तीसरा लेयर है एटमोस्फीयर का। ALE plan to do this by using a pressure driven system of the gas tank that will shoot pellet at a speed of 8 km per second. और ALE का plan है कि वो करेंगे इसको उपयोग करके pressure driven system का gas tank का, जो कि shoot करेगा pellet को जिसका speed 8 km per second का होगा। meteor shower के बारे में जान लें। A natural meteor shower happens when our planet passes through the trail of debris left by a comet or an asteroid. जो नेचुरल मीटियोर शावर होता है वो तब होता है जब हमारा प्लैनेट पास करता है जो ट्रेल होता है डेब्रिज का जो कि लेफ्ट हुआ है कॉमेट या एस्ट्रॉइड का, तो तब होता है। मीटियोर आर टंग्स ऑफ रॉक्स एंड आइस दैट आर इजेक्टेड फ्रॉम कॉमेट एज दे ऑर्बिट द सन। और मीटियोर जो होता है ये चंक्स होता है रॉक्स या आइस का जो कि इजेक्ट होता है कॉमेट से जब वो ऑर्बिट करते हैं सन का। अराउंड 30 मीटियोर शावर दैट आर विजिबल टू ऑब्जर्वर ऑन अर्थ ऑकर्स एवरी ईयर एंड सम ऑफ देम हैव बीन ऑब्जर्व फॉर सेंचुरी। और 30 मीटियोर शावर्स है जो कि विजिबल होते हैं ऑब्जर्वर्स के लिए अर्थ में हर एक साल, और कुछ जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है सेंचुरीज तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जानेंगे हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड इन 2018 सैंक्शन सेफ सिटी प्रोजेक्ट अंडर द निर्भया फंड स्कीम इन 8 सिटीज इंक्लूडिंग बेंगलुरु विच इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग हॉटस्पॉट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डिप्लॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो किस मिनिस्ट्री ने किया, कब किया, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2018 में सैंक्शन किया था सेफ सिटी प्रोजेक्ट को निर्भया फंड स्कीम के अंतर्गत 8 सिटी के लिए। तो 8 सिटी का नाम आपका काम है, आप खोज के कमेंट में रिप्लाई करें, जिसमें कि बेंगलुरु भी आता है, दिल्ली भी है, जो कि इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई करने को हॉटस्पॉट को क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर, और डिप्लॉय करने की बात कही गई है इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को। टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जिस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ऑडियो विजुअल सिस्टम इंक्लूडिंग ड्रोन सीसीटीवी कैमरा एंड इमरजेंसी कॉल बॉक्स इन वल्नरेबल एरियाज ऑफ दिस सिटी। यानी ऑडियो विजुअल सिस्टम जिसमें कि ड्रोन सीसीटीवी कैमरा हो गया, इमरजेंसी कॉल बॉक्स रहेगा वल्नरेबल एरिया में सिटी के। इसके अलावा जो अदर मेजर्स लिया गया है, सेटिंग अप पिंक पुलिस आउटपोस्ट, ऑगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आशा ज्योति केंद्र, इम्प्रूविंग स्ट्रीट लाइटनिंग इन हॉटस्पॉट एरिया, सेटिंग अप पिंक टॉयलेट, सिंगल इमरजेंसी नंबर 112, जेंडर सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस कैंपेन एक्सेट्रा। सेटअप किया गया है पिंक पुलिस आउटपोस्ट को, ऑगमेंटेशन किया गया है एग्जिस्टिंग आशा ज्योति केंद्र का, इम्प्रूव किया गया है स्ट्रीट लाइट को हॉटस्पॉट एरिया पे, सेटअप किया गया है पिंक टॉयलेट को, एक सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 चालू किया गया है, जेंडर सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, और भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीआई टैग फॉर सेवरल आइटम। तो जो जीआई टैग दिया गया है बहुत सारे आइटम को पीआईबी में, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के अनुसार इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सारे को तो हम यहाँ कंसीडर नहीं कर पाएंगे, कुछ को आज कंसीडर करेंगे, कुछ को हमारे आने वाले टॉपिक में कंसीडर करेंगे। एज मेनी एज 33 प्रोडक्ट वर ग्रांटेड जीआई सर्टिफिकेशन रिसेंटली बाय द जीआई रजिस्ट्री चेन्नई एज पर न्यू रिपोर्ट।
और 33 प्रोडक्ट है जिसको दिया गया है जीआई सर्टिफिकेशन। अभी हाल ही में जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा न्यू रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट का बसोली पेंटिंग को दिया गया है। इट इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट जीआई टेक प्रोडक्ट फ्रॉम द जम्मू रीजन। ये पहला इंडिपेंडेंट जीआई टेक प्रोडक्ट है जम्मू रीजन का। तो कौन सा प्रोडक्ट है? बसोली पेंटिंग है। कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट का। इसको माना जा रहा है कि पहला स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग है। दीज आर पेंटेड ऑन पेपर क्लॉथ और वुड यूजिंग नेचुरल पिगमेंट एंड डाई। इसको पेंट किया जाता है पेपर पे क्लॉथ पे या वुड पे उपयोग करके नेचुरल पिगमेंट या डाई का। लद्दाख वुड कार्विंग, जो लद्दाख वुड कार्विंग है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख वुड कार्विंग हैज बीन नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट डिजाइन एंड यूनिक पैटर्न विच आर मोस्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट थीम एंड मोटिव। जो लद्दाख वुड कार्विंग है इसको जाना जाता है इसके इंट्रिकेट डिजाइन और यूनिक पैटर्न के कारण, जो कि ज्यादातर इंस्पायर्ड है बुद्धिस्ट थीम और मोटिव के ऊपर। ये जो वुड कार्विंग है ये बना हुआ है लोकल वुड जैसे कि विलो या एप्रिकॉट से, और इसका ऑफन उपयोग किया जाता है डेकोरेटिंग करने के लिए डोर को, विंडो को या अदर हाउसहोल्ड आइटम को, यानी डेकोरेशन में यूज होता है। उत्तर प्रदेश का बनारसी पान, लंगरा मैंगो ऑफ वाराणसी, रामनगर भंटा ब्रिंजल एंड चौंदौसी अडमचिल चावल राइस, ये सबको दिया गया है जीआई टैग। तो किसको किसको? बनारसी पान, लंगरा मैंगो हो गया वाराणसी का, रामनगर भंटा ब्रिंजल, चंदौसी आदमी चावल, ये राइट, ये सारा यूपी का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमृत सरोवर मिशन। तो हम जानेंगे अमृत सरोवर मिशन के बारे में। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमृत सरोवर मिशन लॉन्च ऑन 24 अप्रैल 2022 टू डेवलप एंड रिज्यूनेट 75 वाटर बॉडी इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, क्रिएटिंग 50,000 वाटर बॉडीज ऑफ ए साइज ऑफ अबाउट एन एकर और मोर एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। जो अमृत सरोवर मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 पे, ताकि डेवलप किया जा सके या रिज्यूविनेट किया जा सके 75 वाटर बॉडीज को हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के, ताकि क्रिएट किया जा सके 50,000 वाटर बॉडीज को जिसका साइज एक एकड़ या उससे अधिक का होगा, सेलिब्रेशन के तौर पे आजादी के अमृत महोत्सव का। मिनिस्टर जो कि इन्वॉल्व है इसके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके लिए। कोलैबोरेशन विद वेरियस स्कीम, इसके लिए कोलैबोरेट किया गया बहुत सारे स्कीम के साथ। तो किसके साथ कोलैबोरेट किया गया? ये जो मिशन है ये यूटिलाइज कर रहा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आपका जो 15 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सब स्कीम जैसे कि वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, हर खेत को पानी, साथ साथ स्टेट का जो खुद का स्कीम है उसके साथ भी कोलैबोरेट किया गया है। टारगेट क्या है? तो इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक। पीपल की अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो लोकल फ्रीडम फाइटर, उनके फैमिली मेंबर, मार्टियर के फैमिली मेंबर, पद्म अवॉर्डी, जो सिटीजन है लोकल एरिया के जहां पे ये अमृत सरोवर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो सारे इंगेज है हर एक स्टेट में। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पे, और ये दर्शा रहा है हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री को, पीपल कल्चर और अचीवमेंट का। इसका पीरियड क्या है? 12 मार्च 2021 में स्टार्ट किया गया था 75th वीक काउंटडाउन को लेके, और ये आपका 15 अगस्त 2023 तक के लिए, हमारे 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान तक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। तो हम जानेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, हैज सेड इट विल स्टॉप सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू कोल प्रोजेक्ट। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है IFC, जो कि प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का, इसने कहा है कि अब वो सपोर्ट नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट को नए कोल प्रोजेक्ट के लिए। प्रीवियसली इन 2020 IFC हैज अनवील्ड ए पॉलिसी रिक्वायरिंग क्लाइंट टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू कोल प्रोजेक्ट बाय हाफ बाय 2025 एंड टू जीरो बाय 2030, बट डिड नॉट प्रिवेंट न्यू इन्वेस्टमेंट। इसके पहले 2020 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनवील किया था एक पॉलिसी को, जिसमें कहा गया था कि जो क्लाइंट है उनको रिड्यूस करना होगा अपने एक्सपोजर को कोल प्रोजेक्ट का, हाफ करना होगा 2025 तक, इसको जीरो कर देना होगा 2030 तक, लेकिन कोई इसमें प्रिवेंट नहीं किया गया था नए इन्वेस्टमेंट को। स्टेटस ऑफ IFC लैंडिंग टू इंडिया, जो क्या स्टेटस है IFC का जो कि लैंडिंग वो भारत को दिया है, तो इसने अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन जो है ऑलमोस्ट 88 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भारत के दिए हैं। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC एस्टेब्लिश इन 1956 हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विस टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ये आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट को, एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विस को इनकरेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो पार्ट है, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन
एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए आईएफसी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने कंसीडर किया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.